हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फाइनली पीएनबी क्लर्क का मेल फाइनली आ गया है आज, और डेट बता देता हूँ मैं, 19 अक्टूबर, 2 नवंबर एंड 16 नवंबर, ये तीन बैचेस बनाए गए हैं। पहले आपकी ट्रेनिंग होगी ऑफलाइन, और जो ट्रेनिंग के लिए सेंटर है, जो आपकी लिस्ट है, वो ऑफिशियल जो पीएनबी की वेबसाइट है वहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है? और ये लिस्ट मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे भी प्रोवाइड करवा दूँगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए, मेल में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको बताऊँगा, वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा, ठीक है? जिनका 19 अक्टूबर का है स्पेशली उनके लिए है पहले ये, और बाद वालों का भी बताऊँगा मैं, ठीक है? जिनका मेल नहीं आया अभी, उससे रिलेटेड भी कुछ डिस्कस करूँगा आप लोगों से। तो इसमें मेल में लिखा गया है, डियर कैंडिडेट, कॉन्ग्रेचुलेशंस, वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म यू डैट यू हैव बीन प्रोविजनली अलॉटेड एज अ सिंगल विंडो ऑपरेटर इन क्लैरिकल कैडर इन अवर बैंक। द डॉक्यूमेंट कलेक्शन एंड ज्वाइनिंग इज़ द शेड्यूल ऑन द सेम डेट, ठीक है? जो ज्वाइनिंग और डीवी होगी आपकी, वो सेम डेट को होगी। द शेड्यूल विल बी अपडेटेड एट अवर वेबसाइट इन ड्यू कोर्स एंड यू आर रिक्वेस्टेड टू चेक द सेम, ठीक है? तो वेबसाइट है, वहाँ पे अपलोड है, ठीक है? योर अपॉइंटमेंट इज सब्जेक्ट टू द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज प्रिस्क्राइब्ड अंडर IBPS CRP 9th नोटिफिकेशन दिस, ठीक है? और प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज टेस्ट अगर तू अपने दूसरी स्टेट से अप्लाई किया तो वो भी आपको करना पड़ेगा, ठीक है? अपॉइंटमेंट लेटर आर बिंग डिस्पैच टू योर कॉरस्पॉन्डेंट एड्रेस, एड्रेस पे भी आएंगे, बाय पोस्ट भी आएंगे। अगर मान लो आपको मेल नहीं आता है तो बाय पोस्ट भी आपको मिल जाएगा। प्लीज़ फाइंड द अटैच चेकलिस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट यू आर रिक्वेस्टेड टू सबमिट एज अ पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट सबमिशन प्रोसेस एंड द एनेक्सर टू यूर अपॉइंटमेंट लेटर विच प्रोवाइड डिटेल इन्फॉर्मेशन दिस, ठीक है? तो इसमें अटैच है, वो भी मैं अब बताऊँगा क्या क्या चीज़ें लेके, मतलब जो जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारी बताऊँगा। आप वीडियो को देखते रहिए एंड तक। इन केस ऑफ नो रिसीट ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर टिल द डेट ऑफ ज्वाइनिंग, यू आर रिक्वेस्टेड टू ब्रिंग अ कॉपी ऑफ दिस ईमेल अलॉन्ग विद अदर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट। मान लो अगर आपके पास बाई पोस्ट भी नहीं आता है, ठीक है, मेल तो आ जाएगा आपको, ठीक है? तो आपको मेल का जो प्रिंट आउट है वो निकाल के लेके जाना पड़ेगा वहाँ पे, ठीक है? और बाई पोस्ट वाला अगर नहीं आता है तब, नहीं तो अगर बाय पोस्ट आ जाता है तो वो आपको लेके जाना पड़ेगा आपकी डॉक्यूमेंट के साथ। यू मे व्यू डाउनलोड द ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज़ परफॉर्मा बाय फॉलोइंग बिलो मेंशन, ठीक है? तो ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज़ जो परफॉर्मा होते हैं वो यहाँ पे मिल जाएंगे आपको, और बाकी बेसिक है इसमें आप पढ़ लेना, ठीक है? यू आर रिक्वेस्टेड टू टिक। तो ये एक मेल था PNB की तरफ से। अब डॉक्यूमेंट्स बताता हूँ सारा जो भी इन्होंने अटैच किया वो, ठीक है? एक मिनट, वेट अ सेकेंड। वेट अ सेकेंड। हाँ, तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ इंस्ट्रक्शंस। जनरल इंस्ट्रक्शंस इन रिस्पेक्ट ऑफ सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ जॉइनिंग इन रिक्रूटमेंट प्रोसेस IBPS CRP क्लर्क 9th, ठीक है? तो जनरल इंस्ट्रक्शन है, फ़ोटो एंड एड्रेस आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए आपका, डेट ऑफ पासिंग द एग्जामिनेशन, ठीक है? विच इज़ रिकॉग्नाइज्ड फॉर एलिजिबिलिटी विल बी डेट ऑफ पासिंग अपीयरिंग ऑन द ओरिजिनल मार्कशीट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, फाइनल सर्टिफिकेट फ्रॉम बोर्ड, अदरवाइज प्रॉपर डॉक्यूमेंट फ्रॉम बोर्ड फॉर हैविंग डिक्लेयर द रिजल्ट ऑन और बिफोर 9/10/2019, मतलब जिस दिन नोटिफिकेशन आया था उससे ऑन और बिफोर पहले का, ठीक है? कास्ट सर्टिफिकेट आपका लिखा हुआ यहाँ पे, ठीक है? वैसे तो यार इन्होंने OBC के बारे में कुछ मैं उसके EWS के बारे में कुछ मेंशन नहीं किया है, बट आप लोग अपना फॉर्मेट तैयार करके रख लेना, जो भी EWS का आपका फॉर्मेट है, ठीक है? और बाकी ये मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, जो बेसिक चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है? जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है वो आप लोगों को मैं बता देता हूँ। और कुछ इन्होंने ये लिखा है ना इसमें, एक मिनट रुकिए, वेट। हाँ, तो ये है। अब डॉक्यूमेंट का बताता हूँ मैं आपको, एजुकेशनल सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल इंक्लूडिंग 10th मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट गिविंग योर डेट ऑफ बर्थ इन प्रूफ ऑफ योर एज, बोथ डिग्री एंड मार्कशीट शुड बी प्रोड्यूस्ड। अगर आप पहले काम करते हो कहीं पे तो वहाँ से आपको डिस्चार्ज सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा अलग से, ठीक है? सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल फ्रॉम द प्रीवियस एम्प्लॉयर रिगार्डिंग एम्प्लॉयमेंट्स लास्ट ड्रॉन, सर्टिफिकेट ऑफ परफॉर्मेंस, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, ठीक है? वो
लेटेस्ट फोटोग्राफ ऑफ पासपोर्ट साइज एट योर ओन ओन कॉस्ट टू साइन डिक्लेरेशन ऑफ फिडेलिटी एंड सेक्रेसी फॉर्म। और ये आपको पीएनबी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। जो भी प्री जॉइनिंग फॉर्मेलिटीज़ है ना वो आपको वहाँ पे मिल जाएंगी, आप सारी वहाँ से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। टू फर्निश नेम ऑफ टू रिस्पेक्टेबल पर्सन प्रेफरली नोन टू द बैंक एंड नॉट रिलेटेड टू यू फॉर रेफरेंस, दे शुड हैव ऑलरेडी नोन टू यू फॉर मोर देन 5 ईयर्स, ठीक है। दो रिस्पेक्टेबल पर्सन के आपको नाम देने हैं वहाँ पे, वो आपकी आइडेंटिटी के लिए बाद में कॉल करके पूछा जाता है उनसे आपका करेक्टर के बारे में, ठीक है। इफ़ यू आर प्रेजेंटली इन द सर्विस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यू विल हैव टू रिज़ाइन फ्रॉम योर प्रेजेंट एम्प्लॉयर, वो NOC लेनी पड़ती है, वो प्रोसीजर है उसका। टू सबमिट सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ ऑल द टेस्टिमोनियल्स एंड सर्टिफिकेट्स फॉर अवर रिकॉर्ड, ठीक है। जो भी डॉक्यूमेंट्स है सेल्फ टेस्ट करके आपको ले जानी है। मेडिकल के लिए देखो मैं बता देता हूँ, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट इशूड आइदर बाय ऑथोराइज्ड मेडिकल ऑफिसर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जो डिस्ट्रिक्ट का गवर्नमेंट हॉस्पिटल होता है वहाँ से भी, या फिर मेडिकल कंसल्टेंट अपॉइंटेड एट एनी ऑफ द कंट्रोलिंग ऑफिसेज ऑफ PNB इन द फॉर्मेट प्रिस्क्राइब सेटिंग यू आर इन अ फिट स्टेट ऑफ हेल्थ एंड हेल्दी एनफ टू परफॉर्म द ड्यूटीज रिक्वायर्ड बाय अ बैंक एम्प्लॉय। मतलब आप किसी PNB कंसल्टेंट से करवा सकते हो, या फिर जो आपका डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल है और वो ऑथोराइज मेडिकल ऑफिसर होना चाहिए तो उससे करवा सकते हो। सेटिस्फैक्ट्री एक्सरे ऑफ योर चेस्ट एंड रेडियोलॉजिस्ट रिपोर्ट, ठीक है, एक्सरे होना चाहिए आपका, रेडियोलॉजिस्ट रिपोर्ट होनी चाहिए। बैंक स्टैंडर्ड पर्सनल डाटा फॉर्म, ठीक है, पर्सनल डाटा फॉर्म होता है वो। 4 सेट्स ऑफ ओरिजिनल अटेस्टेशन फॉर्म्स विद फोटोग्राफ फिक्स्ड, जो 4 सेट्स लेके जाने हैं आपको ओरिजिनल में अटेस्टेशन फॉर्म के विद फोटोग्राफ अफिक्स, फोटो ऑन ईच फॉर्म शुड बी अटेस्टेड बाय अ गेजेटेड फॉर वेरिफिकेशन ऑफ योर करेक्टर एंड इंसिडेंट फ्रॉम द पुलिस अथॉरिटी। द फॉर्म्स आर टू बी सबमिटेड टू द बैंक्स एंड पुलिस वेरिफिकेशन विल बी डन बाय द बैंक, ठीक है। जो ये 4 अटेस्टेशन फॉर्म है जो उस पर फोटो लगी होगी वो गेजेटेड ऑफिसर से आपकी अटेस्टेड होनी चाहिए, ठीक है। टू सबमिट 3 करेक्टर सर्टिफिकेट आउट ऑफ विच 1 मस्ट बी फ्रॉम प्रिंसिपल और हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ द कॉलेज इंस्टीट्यूट लास्ट अटेंडेड बाई यू एंड रिमेनिंग 2 फ्रॉम गेजेटेड ऑफिसर और अ बैंक। सर्टिफिकेट्स गिवन बाई रिलेटिव्स विल नॉट बी एक्सेप्टेबल। HRMS का परफॉर्मा हो गया आपका, ग्रेटिट्यूटी नॉमिनेशन फॉर्म्स, ये सारे आपको वहाँ पर मिल जाएंगे वेबसाइट पे। कॉपी ऑफ पैन कार्ड प्रूफ आपका रिगार्डिंग एलोकेशन ऑफ पैन नंबर ID और आपका एड्रेस प्रूफ, अगर आप एक्स सर्विस मैन हैं तो उसके लिए। NPS फॉर्म्स हो गया आपका और कॉपी ऑफ आपकी आधार कार्ड, ठीक है। NPS फॉर्म भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए ये डॉक्यूमेंट्स हैं, देख लीजिए आप सारी। और डेट ऑफ बर्थ के लिए आपका मैट्रिकुलेशन पास सर्टिफिकेट, कास्ट के लिए ये है और फिजिकल फिटनेस का ये है, ठीक है। अब फाइनल चेकलिस्ट बता देता हूँ मैं, जो भी आपको लेके जानी है डॉक्यूमेंट्स, एक मिनट जस्ट वेट। तो देखिए ये है आपकी चेकलिस्ट, ठीक है, जो भी आपकी ज्वाइनिंग से पहले वो मांगेंगे। मेल कॉपी रिसीव्ड फ्रॉम PNB, ऑल डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए, वैलिड ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑफ IBPS का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो। HRMS परफॉर्मा आपका, स्टेपल 3 फोटोज़, फोटोज़ फॉर आइडेंटिफिकेशन, 3 फोटोज़ होनी चाहिए उसके पास उसके ऊपर, और HRMS का जो परफॉर्मा है वो मिल जाएगा आपको साइट पे। ज्वाइनिंग रिपोर्ट, एक्स सर्विस मैन है तो ये कंडीशन है आपकी, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट अगर वर्क कर रहे हो, सैलरी स्लिप लास्ट 3 मंथ्स अगर आप वर्किंग हो तभी, कंडक्ट एंड परफॉर्मेंस फ्रॉम प्रीवियस एम्प्लॉयर, ये सारी वो बेसिक हैं। मेडिकल रिपोर्ट चेक डॉक्टर, डॉक्टर से चेक होनी चाहिए वो। एक्सरे फिल्म रेडियोलॉजी रिपोर्ट, बायोडाटा फॉर्म, एसेट एंड लाइबिलिटी फॉर्म, 3 करेक्टर सर्टिफिकेट होने चाहिए, फेडिलिटी एंड सेक्रेसी फॉर्म, सेल्फ अटेस्टेड पैन कार्ड होना चाहिए आपका, सेल्फ अटेस्टेड एड्रेस प्रूफ, सेल्फ अटेस्टेड आधार कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट अगर होगा कुछ होगा आपके तो, ये मार्कशीट्स हैं, ठीक है। तो ये सारी चेकलिस्ट है जो आपको लेके जानी है, ये एक इन्होंने पर्टिकुलर उसमें PDF में भी प्रोवाइड करवा दिया अपनी उसमें। तो गाइस फाइनली कॉन्ग्रेट्स है सब लोगों को, PNB वालों को, पहले आपकी ट्रेनिंग हो रही है, ठीक है। और तो वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, और जाने से पहले यही कहूँगा मेरी इस वीडियो को लाइक करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन बेल को भी हिट कर दें ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आपको मिल सकें। एंड गाइस मेरा एक टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप लोग उसको भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है गाइस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।